नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने गार्डन के फूल दिखाऊंगी जो देखिए फ्री में प्लांट बनने वाले हैं होते हैं। ये है मैक्सिकन पिटूनिया और कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। और ये जैसे अब गर्मी है ना, बरसात के बाद ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ पकड़ते हैं और फूल इतने खिलते हैं इन पर, और बिना किसी केयर के। जैसे कोई चीज़ हम ला के रख देते हैं ना, उसकी केयर नहीं करते प्लांट की, उन पे ज़्यादा फूल खिलते हैं। आप देखिए ये प्लांट ऐसा है, ये फूल भी देता रहेगा और इससे आप कितने पेड़ बना सकते हैं। अब इसकी कलम मैंने की जगह जगह लगाई हुई है, थोड़ी थोड़ी सी, इतनी इतनी सी है डंडी सी, इसकी काट के और कहीं भी लगा दो तो थोड़े से दिन में ही, 15-20 दिन में ही ये एकदम तैयार हो जाता है इसका प्लांट और फूल शुरू हो जाते हैं। मैं दिखाऊंगी अभी इसके जो मैंने तैयार किए हुए हैं। और देखिए आज ये मोस रोज खिले हैं, बहुत सुंदर सुंदर अब खिलने शुरू हो गए हैं। पहले से ही हो गए 2-3 महीने इनको खिलते हुए फिर, लेकिन बरसात के बाद इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होती है। और ये जो मोस रोज है ना, ये सुबह 9-10 बजे तक खिल जाते हैं, 9 बजे तक, और फिर शाम को 3-4 बजे तक ये मुरझा जाते हैं। और गार्डन में इस समय बहुत ही सुंदर सा एक फूलों का माहौल हो जाता है। 11 बजे का टाइम है अभी सुबह सुबह का, आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है। ये देखिए, और इस तरीके से ये सफ़ेद वाली चंपा है, कितने फूल खिले हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और थोड़ी सी मेहनत, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें। मैं जितने भी आपको प्लांट दिखाऊंगी, सारे ही मेरे ऐसे प्लांट हैं जो मैंने खुद तैयार किए हुए हैं और बहुत कम मेहनत से। और पेड़ों में काम करते हैं दोस्तों, एक अलग ही एनर्जी होती है अपने शरीर में। हम जब पेड़ पौधों में काम करते हैं अपने गार्डन में और फूल इतने सुंदर सुंदर मिलते हैं बहुत ही कम मेहनत में, तो एक बहुत ही इच्छा सी बनी रहती है कि हम इसका भी प्लांट लगा लें, इसका भी प्लांट लगा लें। अब देखिए ये सदाबहार है, सदाबहार की तो मैंने वीडियो भी डाली हुई है इसकी केयर पे कैसे लगाया था। और एक ये प्लांट है, देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं इस पर, और धीरे धीरे ऐसे ही गुच्छे से फूल बन जाएंगे। और जैसे मैं कलम लगाती हूँ ना, आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये जब ऐसे मैं, ये जैसे मोस रोज है, अब कितनी इसमें कली लगी हुई है। ये 10-15 दिन पहले ही अभी मैंने बेकार के जो प्लास्टिक के डब्बे पड़े थे, फेंकते ही हैं, उनको यूज भी हो जाते हैं और इसमें ये चल जाते हैं। जैसे इनको मैंने एक जगह इकट्ठे करके रख दिया, ये अजवाइन का प्लांट है। और अब ये देखिए ये मोस रोज है और कुछ और दूसरे हैं इनकी, सब की मैंने ये डंडिया सी लगाई थी और कितनी अच्छी सी चल गई है, फूल शुरू हो जाएंगे इन पर भी। अब कलर कौन सा आएगा ये तो आपको मैं बाद में ही दिखाऊँगी। और ये देखिए ये है गुच्छे वाली बोगनविला, बिल्कुल डार्क गुलाबी कलर की, ये ऑरेंज कलर की है। और बरसात में अलग ही माहौल होता है इनका फूलों का, एकदम से फूल इतने सुंदर सुंदर और बहुत ज़्यादा खिलते हैं। एक देखिए बोगनविला का मेरे पास ये वाली वैरायटी है, इसमें ये एक सफ़ेद मोती सा लग रहा है बीच में, देखिए कि इसका कितना सुंदर फूल है। और ऐसे ही देखिए मैं कलम से ही बढ़ा रखे हैं अपने सारे प्लांट। ये येलो कलर की बोगनविला है, इसका भी मैंने कलम लगाई हुई है और वो बहुत सुंदर उस पर फूल खिलते हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए ये जो जेठ रूपा प्लांट होता है ना, सुंदर सुंदर मोती से फूल हैं इसके बिल्कुल। और देखिए ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे से और घना हो गया। अब ये पेड़ इसकी कटिंग करती वो तो मैं केयर पर, तो मैं बीच बीच में वीडियो डालूंगी। आज मैं आपको सारे फूल ही दिखा देती हूँ कि कितने सुंदर फूल रोज़ मेरे गार्डन में खिलते हैं बहुत कम मेहनत से। और ये देखिए ये 1-1.5 महीने पहले ही मैंने ये पिटूनिया की ये लगाई थी कलम, और इस पे देखिए फूल शुरू हो गए। और इनका दोस्तों अलग ही वो होता है, खुशी होती है जो हम जैसे कलम से तैयार करते हैं बड़े बड़े फूल। किसी भी प्लांट की आप कलम लगाएंगे ना फूल वाले की, उसके फूल ज़्यादा खिलेंगे और बड़े फूल खिलेंगे। और देखिए अभी ये भी तैयार होने लग रही हैं, सब कलम है जो मैंने इस साल लगाई है अभी बरसात से थोड़े दिन पहले ही। ये येलो कलर का है, इसको गुलदुफेरी भी बोलते हैं हम। और मैं जैसे 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 कई बार हम कहीं पार्क में या कहीं घूमने किसी के घर भी जाते हैं ना, तो कोई कलर नया दिखता है, मैं ज़रूर कलम ले लेती हूँ। और इसी तरीके से मैं अपने गार्डन में से भी खूब कलम तैयार कर करके देती रहती हूँ सबको, जिसको भी अच्छे लगते हैं। और प्लांट हमें जितने बढ़ जाएँ हमारे गार्डन में, उतने ही हमें कम लगते हैं। और आप दोस्तों गार्डन में काम करके देखिए, एक अलग ही खुशी का एहसास होता है जब हमें फूल देखने को मिलते हैं सुंदर सुंदर।
ये देखिए, ये अभी मैंने ऐसे जितने भी वेस्ट निकलता है ना डब्बे वब्बे किचन में से, उनमें मैं इस समय मिट्टी में डाल के लगा देती हूँ। और कोई ऐसा प्लांट चल जाता है ना जो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलता है, उसको फिर गमले में शिफ्ट कर लूँगी। और ये देखिए, ये है गुलदुफेरी जो ये मैंने लगाई हुई है, ये गुलाबी कलर में है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है बोगनविला जो मैंने कलम से लगाई थी। अभी 6 महीने पहले मैंने इसको कलम से लगाई थी। और अब देखिए फूल, बरसात के बाद दोस्तों हर कोई प्लांट जिस पे फूल भी नहीं आते ना पूरे साल, बरसात होने के बाद इस उनमें इतने फूल शुरू हो जाते हैं। अब देखिए एक छोटी सी कलम ही है ये जो मैंने लगा रखी है, आप देख रह सकते हैं इसको, और इसमें कलम पे ही फूल शुरू हो गए। अब देखिए गुच्छे में भरने लगेगी। अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि गमले में थोड़ा छोटा रखूँ प्लांट, कटिंग करती रहती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बोगनविला जो पुरानी है, उनकी मैं कटिंग करती रहती हूँ। और जो कटिंग छोटी बड़ी सब मैं लगा देती हूँ, 5-7 कटिंग लगाऊंगी, एक दो तो चली जाएगी और उसी से ही पौधे बढ़ जाएंगे। अब आप देखिए ये गार्डन में मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं, काफ़ी कलम मैंने तैयार कर रखी है। ये एक बोगनविला है, इसका बहुत सुंदर फूल खिलता है। अभी ये कलम है, जब इसमें फूल आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और शेयर करती रहूंगी आपके साथ। और ये देखिए, ये है रेड वाली चंपा, लाल पुलमेरिया, और इस पर ये कटिंग लगाई थी मैंने, अब इस पर फूल शुरू हो गए हैं। और जो इसका मदर प्लांट है वो भी, कितनी मैंने कटिंग तैयार करी है इस पर मैं एक वीडियो डालूंगी। और बने रहें ऐसे ही आप मेरे चैनल में, और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहें दोस्तों। मैं अपने गार्डन के आपको सभी प्लांट दिखाती रहूँगी। और जो